हेलो दोस्तों, मैं वेरी और आपका स्वागत है सिविल डिप्लोमा बेसिक प्रॉब्लम्स में। तो आज हम देखेंगे हर बार टॉस के पेपर में एग्ज़ाम में आने वाला हो सम 6 मार्क के लिए आने वाला हर बार आने वाला 6 मार्क के लिए वो सम देखेंगे। वो चिमनी फर्स्ट फर्स्ट चैप्टर टॉस का वो इसमें है, चिमनी प्रॉब्लम है, इस पर आता है। तो उसके उसके हम बेसिक प्रॉब्लम्स बेसिक्स फॉर्मूले देखेंगे। फर्स्ट W वेट ऑफ मैसनरी इज इक्वल टू एरिया हाइट इंटू डेंसिटी। और सेकंड डायरेक्ट स्ट्रेस W अपॉन ए वेट अपॉन एरिया, बेंडिंग स्ट्रेस मोमेंट अपॉन जेड। अब हम विंड लोड फाइंड करना है तो पी इज इक्वल टू सी इंटू स्मॉल पी इंटू प्रोजेक्टेड एरिया। अभी हम जेड की वैल्यू देखेंगे। जेड की वैल्यू डिफरेंट है, हर जैसा कॉलम होगा वैसे जैसा कॉलम होगा चिमनी होगी वैसे ही जेड की वैल्यू चेंज होती जाएगी। फर्स्ट चिमनी हैविंग रेक्टेंगुलर, जब चिमनी रेक्टेंगुलर होगी तो उसमें कैसे जेड होगा देखो। इफ़ यू विंड प्रेशर एक्टेड ऑन प्रोजेक्टेड एरिया ऑफ विड्थ, विड्थ होगी जब विड्थ में विंड मींस एयर होगा ए विंड्स, तो देखो विंड में आएगा तो कैसा होगा। ये बी है, ये देखो तो बी इंटू विंड है इसलिए फर्स्ट बी लिया। बी इंटू डी स्क्वेयर अपॉन 6। अब से नेक्स्ट करेंगे, इफ द विंड प्रेशर एक्टेड ऑन प्रोजेक्टेड एरिया विथ थिकनेस मीन्स डी। अभी डी का कैसा है, थिकनेस इधर है थिकनेस, तो फर्स्ट डी लेंगे। ये देखो डी इंटू बी स्क्वेयर अपॉन 6। अभी हम इफ चिमनी हैविंग हॉलो रेक्टेंगुलर होगा, ये देखो जब हॉलो रेक्टेंगुलर होगा तो ये हमारा कैपिटल बी कैपिटल डी ये लेंगे, बी इंटू डी क्यूब पहली ले आता ऐसे लेंगे, फिर उसमें से बी में से स्मॉल माइनस करेंगे तो बी स्मॉल बी इंटू डी क्यूब अपॉन 6 और हमारा ये थिकनेस की डी, हमने विड्थ निकाला है तो ये डी लेंगे। नेक्स्ट इफ द विंड प्रेशर एक्टेड ऑन प्रोजेक्टेड एरिया ऑफ थिकनेस, अब इधर विड्थ निकालनी थी अभी इधर थिकनेस निकालनी है। तो थिकनेस का क्या फॉर्मूला है, डी अभी थिकनेस निकलनी तो डी इंटू बी क्यूब माइनस स्मॉल डी इंटू बी क्यूब अपॉन 6 इंटू विड्थ, थिकनेस निकलनी थी इसलिए बी लिए। अब फॉर हॉलो स्क्वायर सेक्शन, अभी हॉलो स्क्वायर का देखेंगे। देखो ये स्क्वायर जैसे है तो इसमें देखते हैं हम स्क्वेयर आर बोथ साइड आर इक्वल, तो हमारा बी और डी इक्वल हो इक्वल ही है। तो हमने इधर क्या लिखा था, बी इंटू डी बी इंटू डी, तो हमारा बी बी दोनों इक्वल ही होगा तो बी इंटू बी ही लिखेंगे। तो बी हमारा क्यूब है और है बी इंटू हो जाएगा तो बी रेस टू 4। ये देखो बी रेस टू 4 माइनस स्मॉल डी रेस टू 4 अपॉन 6, इधर बी लिखा बी है इसलिए नीचे भी बी ही लिया। अब सर्कल का देखेंगे, फॉर सॉलिड सर्कुलर सेक्शन जेड इज इक्वल टू आई 32 इंटू डी रेस टू 4 और हॉलो सर्कुलर का आई 32 ब्रैकेट डी रेस टू 4 माइनस
स्मॉल डी रेस्ट टू 4 अपॉन कैपिटल डी। अब हमने सारे फॉर्मूले देख लिए, अब हम प्रॉब्लम्स की ओर बढ़ते हैं। चलिए प्रॉब्लम देखते हैं। अब देखो हम प्रॉब्लम की ओर आए, तो प्रॉब्लम फर्स्ट रीड करेंगे। अ मैसनरी पियर्स 6 मीटर इन हाइट हैविंग रेक्टेंगुलर सेक्शन 3 मीटर विड्थ एंड 1 मीटर थिंक। अ हॉरिजॉन्टल विड्थ वाइंड प्रेशर इज 1000 न्यूटन पर मीटर स्क्वेयर एक्टेड ऑन 3 मीटर साइड। ड्रॉ स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम एट बेस इफ डेंसिटी ऑफ मैसनरी इज 20 किलोमीटर पर मीटर क्यूब। तो फर्स्ट हम गिवन लिखेंगे। हाइट है हमारी 6, फिर विड्थ मीन्स बी 3 मीटर, थिकनेस 1 मीटर है तो डी लिखेंगे इसको 1 मीटर। हमारा प्रेशर विंड प्रेशर दिया है, स्मॉल पी लिखेंगे 1000 न्यूटन पर मीटर स्क्वेयर। एक्ट किधर हुआ है, एक्टेड ऑन 3 मीटर साइड। हमारी अभी डेंसिटी क्या दी है, देखो डेंसिटी डेंसिटी का है डिनोटेड बाय रू 20 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। इसे हम न्यूटन में कन्वर्ट करेंगे तो 20 × 10³ न्यूटन पर मीटर क्यूब। अब हमें सब हमने डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम ड्रॉ करनी है, तो फर्स्ट हमें सिग्मा मैक्स लगेगा, फाइंड करना पड़ेगा, और सिग्मा मिनिमम। तो चलिए प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट हम फर्स्ट फॉर्मूला देखा था, देखो वेट ऑफ मैसनरी, तो वेट ऑफ मैसनरी निकालेंगे एच रू, तो डब्ल्यू इज इक्वल टू वेट ऑफ मैसनरी, तो डब्ल्यू इज इक्वल टू एच इंटू हाइट इंटू रू मीन्स डेंसिटी। तो हाइट निकालनी पड़ेगी, तो हाइट का फॉर्मूला है बी इंटू डी, रेक्टेंगुलर है इसलिए बी इंटू डी लिया, इंटू हाइट इंटू रू। तो हमारा बी है 3, डी 1 है, हाइट हमारा 6 और रू डेंसिटी 20 × 10³। तो हम वेट ऑफ मैसनरी फाइंड करेंगे, इसलिए इसके लिए मैं कैलकुलेटर यूज़ कर रहा हूँ 82 ms का।
देखो हमारा आंसर आ गया 360 इंटू 10^3 न्यूटन वेट। हमारा फर्स्ट वेट हमने फाइंड कर लिया, तो अब हम डायरेक्ट स्ट्रेस फाइंड करेंगे। डायरेक्ट स्ट्रेस का फॉर्मूला है, देखो डायरेक्ट स्ट्रेस इज इक्वल टू डायरेक्ट स्ट्रेस डब्ल्यू अपॉन ए। डायरेक्ट स्ट्रेस इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन ए, तो हमारा डब्ल्यू है थ्री सिक्सटी इंटू 10^3 अपॉन एरिया। हमारा क्या है देखो, एरिया हमने इधर लिखा था थ्री बी इंटू डी है, तो हम देखो 360 इंटू 10^3 अपॉन 3 इंटू 1, तो 360 इंटू 10^3 अपॉन 3। तो कैलकुलेटर यूज़ करते हैं, हमारा आंसर आ गया 120 इंटू 10^3 न्यूटन पर मीटर स्क्वेयर। डायरेक्ट स्ट्रेस हमने फाइंड कर लिया, तो अब हमें बेंडिंग स्ट्रेस निकालना है। डायरेक्ट स्ट्रेस और बेंडिंग स्ट्रेस से हम सिग्मा मैक्स और सिग्मा मिनिमम निकालेंगे। तो डायरेक्ट स्ट्रेस तो हमने फाइंड कर लिया, इधर लिखेंगे डायरेक्ट स्ट्रेस इज इक्वल टू 120, तो हमने एक किलो न्यूटन लिख दिया, 120 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इधर न्यूटन ही था, तो एक किलो मीन्स 1000 होता है, तो हमने किलो न्यूटन लिख दिया। अब हम बेंडिंग स्ट्रेस निकालेंगे, तो इसके लिए देखो बेंडिंग स्ट्रेस का फॉर्मूला है एम अपॉन जेड, तो ये लिखेंगे एम अपॉन जेड। अब हमें एम की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, और जेड की वैल्यू तो हमें फाइंड करेंगे। तो फर्स्ट विंड लोड फाइंड करते हैं, विंड मीन्स चिमनी का लोड। जी सपोज हमारी चिमनी ऐसी है, तो इधर से एयर है आ रहा है, इसको फोर्स दे रहा है कुछ, वो फोर्स हम निकालेंगे। तो उसका फॉर्मूला है पी इंटू सी, पी इज इक्वल टू सी इंटू स्मॉल पी इंटू प्रोजेक्टेड एरिया। मीन्स प्रोजेक्टेड एरिया मीन्स मैं अभी बताता हूँ, विंड इज इक्वल टू विंड मीन्स पी इज इक्वल टू सी इंटू स्मॉल पी इंटू प्रोजेक्टेड एरिया। तो देखो सी की वैल्यू कैसी होती है, देखो सी इज इक्वल टू वन और सी इज इक्वल टू 0.6। जब जब रेक्टेंगुलर हो चिमनी तो वन यूज़ करेंगे, और
सर्कुलर हो तो 0.6 यूज़ करेंगे। तो हमारा रेक्टेंगुलर है, ये देखो रेक्टेंगुलर, तो हम 1 यूज़ करेंगे। हमारा पी गिवन है, लिखेंगे इनटू प्रोजेक्टेड एरिया, मीन्स क्या होता है, देखो ये चिमनी है, ये देखो ऐसी खड़ी चिमनी है, तो अगर इस इधर से एयर आ रहा है तो ये पोर्शन पे वो एयर आएगा, उस पर अटैक करेगा, तो इस पोर्शन का हमें एरिया निकालना है, तो दिस इज कॉल्ड एज प्रोजेक्टेड एरिया। तो हम निकालेंगे, तो ऐसे हमारी 6 मीटर है, एग्जाम प्रॉब्लम में दी है 6 मीटर और ये 3 मीटर, तो हम इसका एरिया कैलकुलेट करेंगे। अभी हम कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेटर से, हमारा आंसर आ गया 18 × 10³ न्यूटन। फोर्स से लोड निकालना है इसलिए न्यूटन लिखा। अब हम एम फाइंड करेंगे, एम का फॉर्मूला है इधर देखो, एम इज इक्वल टू पी इंटू एच बाय टू है एम का फॉर्मूला है। तो पी इंटू एच बाय टू, हमारा पी आ गया, तो हम लिखेंगे 18 × 10³ इंटू हमारे एच की वैल्यू क्या है 6 बाय टू। फिर हम इसे सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर आ गया 54 × 10³ न्यूटन इंटू मीटर, मोमेंट का न्यूटन इंटू मीटर यूनिट होता है। तो हमारा एम तो आ गया, अब हम जेड निकालेंगे, जेड तो देखो जेड की कैसे है, अभी विंड प्रेशर स्ट्रेस, इधर देखो विंड हॉरिजॉन्टल विंड प्रेशर है, हॉरिजॉन्टल है, तो हॉरिजॉन्टल हमें निकालना पड़ेगा। देखो विंड प्रेशर इज हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्ट एरिया, विड्थ है हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल मीन विड्थ आएगी हॉरिजॉन्टल मीन्स, तो बी डी स्क्वेयर बाय 6, हॉरिजॉन्टल है इसलिए विड्थ बी डी स्क्वेयर बाय 6 हम फाइंड करेंगे। तो हमारा बी की वैल्यू है, देखो बी और डी की वैल्यू हमें नोन है, तो जीरो पॉइंट फाइव आ गया, तो जेड इज इक्वल टू 0.5 m³। अब हम बेंडिंग स्ट्रेस निकाल सकते हैं, तो बेंडिंग स्ट्रेस इज इक्वल टू एम बाय जेड, तो मोमेंट 54 × 10³ अपॉन जेड 0.5, तो हमारा बेंडिंग स्ट्रेस आ जाएगा, देखो 4 × 10³ डिवाइडेड बाय
पॉइंट फाइव हमारा बेंडिंग स्ट्रेस आ गया 108 इंटू 10^3 न्यूटन पर मीटर स्क्वेयर। हमारा है वैल्यू बेंडिंग स्ट्रेस और डायरेक्ट स्ट्रेस हमारा आ गया है। अब हम सिग्मा मैक्स और सिग्मा मिनिमम निकालेंगे। तो सिग्मा मैक्स इज इक्वल टू डायरेक्ट स्ट्रेस प्लस बेंडिंग स्ट्रेस। हमारा डायरेक्ट स्ट्रेस ये देखो, इसे भी इसे हम ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं 108 10^2 है, इसको किलो न्यूटन मीटर स्क्वायर कर लिया। तो डायरेक्ट स्ट्रेस इज इक्वल टू 120 प्लस बेंडिंग स्ट्रेस 108। तो हमारा आंसर आ गया 228 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वेयर सिग्मा मैक्स आ गया। अब हम सिग्मा मिनिमम निकालेंगे। सिग्मा मिनिमम डायरेक्ट स्ट्रेस माइनस बेंडिंग स्ट्रेस, तो 120 माइनस 108 12, तो 12 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वेयर। फिर से हम रिवाइज करेंगे। देखो फर्स्ट हमने गिवन लिखा, फिर वेट ऑफ मैसनरी निकाला, उसका फॉर्मूला है एरिया इंटू हाइट इंटू रू। तो हमारा वेट आ गया। फिर डायरेक्ट स्ट्रेस निकालेंगे डब्ल्यू अपॉन ए, डायरेक्ट स्ट्रेस आ जाएगा। फिर हम बेंडिंग स्ट्रेस निकालेंगे मोमेंट और जेड। तो विंड फर्स्ट वीड लोड हमें नोन नहीं है, इसलिए हमें वो फाइंड करना पड़ेगा। तो वीड लोड इज इक्वल टू पी इंटू सी, पी इज इक्वल टू सी इंटू स्मॉल पी इंटू प्रोजेक्टेड एरिया। तो पी इज इक्वल टू 1, रेक्टेंगुलर है इसके लिए 1 लिया। फिर ये गिवन है, लिया। और प्रोजेक्टेड एरिया मीन्स देखो ऐसा है कॉलम, इधर से एयर आ रहा है, लोड है तो इस पोर्शन पे है, इसलिए इसका एरिया निकलेंगे, इसका 6 और इसका 3। तो 6 × 3 पी लोड निकालिया। अब हम मोमेंट निकालेंगे। तो मोमेंट का फॉर्मूला है पी इंटू एच बाई 2। तो मोमेंट निकल दी। अभी जेड निकालेंगे। अभी जेड रेक्टेंगुलर है और हॉरिजॉन्टल विड्थ से है, विड्थ प्रेशर निकला है। तो बी डी स्क्वेयर अपॉन 6, तो जेड इज इक्वल टू 0.5 मीटर क्यूब। तो जेड हमारा आ गया, मोमेंट आ गया। तो हम डायरेक्ट बेंडिंग स्ट्रेस निकालेंगे, बेंडिंग स्ट्रेस फाइंड कर ली। तो अब हम सिग्मा मैक्स इसका और दोनों का ऐड करेंगे और सिग्मा मिनिमम दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो हमारा ये पूरा सम हो गया है। ऐसा ही आप सब स्टेप करेंगे तो आपको 6 मार्क्स एग्जाम में पूरे मिल जाएंगे। अब हम स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूटेड डायग्राम देखेंगे।
हमारा सिग्मा मैक्स है, टू टू एट किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वेयर, सॉरी सिग्मा मिनिमम 12 किलो न्यूटन मीटर स्क्वेयर, और इधर सिग्मा मैक्स 228 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वेयर। तो हमने इधर हम ड्रॉ स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूटेड डायग्राम निकालना था, ड्रॉ करना था, हमने स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूटेड डायग्राम ड्रॉ किए। तो ऐसे ही सब हम आप करेंगे तो एग्ज़ाम में पूरे मार्क मिल जाएंगे। तो ऐसे ही डेली वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों को शेयर करें। बाय।